जल्दी से एक रिएक्शन आपसे भी ले रहा हूँ, ये कारण क्या है फिर? जब सियासत होती है, महिलाएं समझ भी रही हैं, लोग जानते भी हैं, तो उसके बाद जब वोटिंग होती है तो ये हिंदू मुस्लिम क्यों हो जाता है? और ये आप अगर कॉमन सिविल कोड, अगर ये इस तरीके की हवा उड़ाई जाती है, इसका डर दिखाया जाता है, तो उसमें सभी लोग अगर एक साथ आते हैं तो यहाँ जीत किसकी और हार किसकी है, क्या आपको नजर आता है पुरुषा राणा? देखिए, पहली बात तो कि इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश है, क्योंकि इस्लाम में कहीं भी औरतों पे ज्यादती नहीं कही गई है। इस्लाम में जितना हम लोग को फ्रीडम है अपनी लाइफ जीने का, मेरे ख्याल से और किसी धर्म में नहीं है। आप चाहे प्रॉपर्टी जायदाद की बात कर रहे हैं, तो जायदाद हमारे यहाँ कब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि लड़कियों को पहले दो। हाँ, 30% 33% है लड़कियों का, और जो उनकी बेगम थी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली, वो तो बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन भी थी। हाँ, हमारे यहाँ तो इस्लाम में कहा गया है कि तालीम दो बच्चों को, लड़कियां हो चाहे लड़के हो, तालीम से इज्जत आती है। तो हमारे यहाँ तो किसी ने, ये कुछ लोगों ने इस्लाम को बदनाम कह रहे हैं ऐसा कि हम हमारे जो समाज के भीतर जो पिछड़ापन है ना, वो शिक्षा की वजह से ही है। क्योंकि देखिए, हम एजुकेशन जितने पैनलिस्ट हैं ना, जितनी भी महिला पैनलिस्ट हैं, वो सभी मान रहे हैं कि अगर शिक्षा होती या तालीम उनको सही तरीके से मिलती। एग्जैक्टली, क्योंकि एजुकेशन पे हम बात नहीं करते, बेरोजगारी पे हम बात नहीं करते, है ना। तो जब हम इस पर बात ही नहीं करते, हम अगर हम जातिवाद हिंदू मुस्लिम करेंगे, तो हम में और बीजेपी में फर्क नहीं रह जाएगा।